प्रश्न संख्या है 76, तो पूछा गया है जाके प्रिय नाराम विदेही पद किस पुस्तक में है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, विनय पत्रिका। जो विनय पत्रिका है इससे ये पद लिया गया है। पद है जाके प्रिय नाराम विदेही। जो ये पद है ये तुलसीदास जी का पद है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है ये है 77, पूछा गया है तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है। जो तुलसीदास थे इनकी भक्ति है दास्य भाव की। यहाँ पर विकल्प भी उचित होगा। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि माधुर्य भाव की भक्ति किसकी थी। हाँ, आपको ये प्रश्न आज का है कि आपको बताना है जो माधुर्य भाव से भक्ति भावना थी, माधुर्य भाव से जो भक्ति करते थे वे कौन हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो सख्य भाव की भक्ति थी ये थी सूरदास की। आपको ये प्रश्न है, आपको बताना है माधुर्य भाव की भक्ति किसकी थी। आपको ये एक मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये है एक महिला संत है। अगला प्रश्न है 78, पूछा गया है तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे। जो तुलसीदास थे ये विशिष्टाद्वैतवाद दार्शनिक मत के भक्त थे। यहाँ पर डी उचित होगा। अगला जो प्रश्न है ये है 79, पूछा गया है रामचरितमानस का महत्व आज किस कारण से है। तो जो रामचरितमानस रचना थी तुलसीदास जी की, ये आज जीवन मूल्यों के कारण काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर विकल्प सी उचित होगा। अगला जो प्रश्न है ये है 80, पूछा गया है राम भक्ति काव्य परंपरा में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन थे। तो ये थे रामचरण दास। यहाँ पर विकल्प सी उचित होगा और ये प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है। अगला जो प्रश्न है ये है 81, तो पूछा गया है भक्तमाल के रचयिता कौन थे। तो जो भक्तमाल के रचयिता थे तो ये नावादास थे। यहाँ पर विकल्प डी उचित होगा। अगला जो प्रश्न है ये है 82, तो पूछा गया है इनमें तुलसी की कृति कौन सी है। तो जो तुलसी की कृति होगी अर्थात तुलसीदास की कृति होगी तो ये होगी पार्वती मंगल। जो पार्वती मंगल है इसमें भगवान शिव और पार्वती के विवाह के बारे में बताया गया है। अगला जो प्रश्न है ये है 83, तो पूछा गया है इनमें से तुलसी की रचना कौन सी है। जो तुलसीदास की रचना है यहाँ पर यह है वैराग्य संदीपनी। यहाँ पर भी बिल्कुल उचित होगा। अगला जो प्रश्न है 84, तो पूछा गया है बरबे रामायण के रचयिता कौन है। जो रचना है बरबे रामायण ये तुलसीदास की रचना है। यहाँ पर जो विकल्प ए बिल्कुल उचित होगा। अगला प्रश्न है 85, तो पूछा गया है रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसीदास ने कहाँ से किया था। तो ये किया गया था अयोध्या से। यहाँ पर विकल्प भी उचित होगा और ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है 86, तो पूछा गया है राम भक्ति शाखा के अंतर्गत बैरागी दल का गठन किसने किया था। तो ये किया गया था रामानंद के द्वारा। यहाँ पर विकल्प ए उचित होगा। अगला जो प्रश्न है ये है 87, तो पूछा गया है तपसी शाखा का गठन किसने किया था। जो तपसी शाखा का गठन था ये द्वारिका दास के द्वारा किया गया था। यहाँ पर विकल्प सी उचित होगा। अगला जो प्रश्न है ये है 88, तो पूछा गया है राम रक्षा स्त्रोत की रचना किसने की थी। तो जो राम रक्षा स्त्रोत है इसकी रचना की थी रामानंद के द्वारा। यहाँ पर विकल्प भी उचित होगा। ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 89, हिंदी राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन थे। तो ये थे विकल्प बी स्वामी रामानंद। यहाँ पर आपको एक प्रश्न छोड़ देता हूँ मैं, आपको बताना है जो स्वामी रामानंद थे इनके 12 शिष्यों में से किन्हीं 2 शिष्यों का जिक्र आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ये प्रश्न आपके लिए है। अगला जो प्रश्न है ये है 90, तो पूछा गया है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है। जो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था ये था भक्ति काल। यहाँ पर विकल्प सी उचित होगा। अगला जो प्रश्न है ये है 91, तो पूछा गया है जानकी जी की सखी बनकर रचना करने वाले राम भक्त कवि का नाम बताइए। तो ये थे विकल्प ए अगरदास जी।
जो अग्रदास थे, ये जानकी जी की सखी बनकर राम भक्त कवि के तौर पर जाने जाते थे और रचना करते थे। अगला जो प्रश्न है ये है 92, तो पूछा गया है तुलसी की मान्यताएं किस संप्रदाय से सर्वाधिक प्रभावित हैं। तो जो तुलसी की मान्यताएं थी ये श्री संप्रदाय से सर्वाधिक प्रभावित थी, यहाँ पर विकल्प भी उचित होगा। अगला जो प्रश्न है ये 93 है, तो पूछा गया है तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने माना था। तो ये माना था स्मिथ के द्वारा, यहाँ पर विकल्प सी उचित होगा और ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है 94, पूछा गया है महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे। ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बताना है ये पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति है जॉर्ज ग्रियर्सन की, यहाँ पर विकल्प ए उचित होगा। जॉर्ज ग्रियर्सन कहते थे जो महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे। अगला प्रश्न है 95, पूछा गया है प्रस्थान चतुष्टय में किस पुराण को शामिल किया जाता है, यहाँ पर विकल्प सी उचित होगा। अगला जो प्रश्न है ये है 95, तो पूछा गया है ईश्वरीय प्रेम को भक्ति की संज्ञा किसने दी थी। जो ईश्वरीय प्रेम को भक्ति की संज्ञा दी थी ये नारद के द्वारा दी गई थी, यहाँ पर विकल्प ए उचित होगा। अगला जो प्रश्न है ये 97 है, तो पूछा गया है इनमें से किस ग्रंथ की रचना भक्ति काल में नहीं हुई है। तो जो साकेत है इसकी रचना भक्ति काल में नहीं हुई है, इसकी रचना आधुनिक काल में हुई है और इसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। बाकी जो रामचरितमानस है, अवध विलास है और भक्तमाल है, इन तीनों की रचनाएं भक्ति काल में हुई है, इसे भी आप याद रखिएगा, ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है ये है 98, तो पूछा गया है वैष्णव भक्ति को स्थापित करने वाले आचार्य का समय क्या है। जो वैष्णव भक्ति को स्थापित करने वाले आचार्य थे इनका समय माना जाता है 11वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी, यहाँ पर विकल्प भी उचित होगा और ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है 99, तो पूछा गया है इनमें से तुलसी का समकालीन कवि नहीं है। जो नावादास थे ये तुलसी के समकालीन कवि नहीं थे, बाकी केशवदास, रहीम और सूरदास ये तीनों तुलसी के समकालीन माने जाते हैं। अगला जो प्रश्न है 100, तो पूछा गया है रामानंद की शिष्य परंपरा में तुलसी किस पीढ़ी में आते हैं। जो रामानंद की शिष्य परंपरा में तुलसी 7वीं पीढ़ी में आते हैं, यहाँ पर विकल्प भी उचित होगा और ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, विकल्प भी उचित होगा।